सो गाइस आज मैं आप लोगों से कहूंगा ये वाली फोटो एडिटिंग, मतलब आप अपने नॉर्मल फोटो को श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो पिक्सार्ट ऐप की मदद से। वो आज की इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, तो इसी वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस एडिटिंग में बहुत सारे पीएनजी यूज करा है, तो कब कौन सी पीएनजी ऐड करना है वो आपको पता चल जाएगी। एंड मैंने एक क्लिक में कैसे अपनी एडिट फोटो को कलर ग्रेडिंग करा कुछ ही सेकंड में, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कमाल की एडिटिंग है। इस तरह की रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग आपको पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो को मिस मत करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। आज के वीडियो की लाइक्स के टारगेट ओनली 200 लाइक्स, प्लीज जल्दी से कंप्लीट करा देना। बाकी चलिए आज की अमेजिंग एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टेप नंबर वन में आपको करना होगा पिक्सार्ट ऐप को ओपन। पिक्सार्ट ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली आपको ये वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। मैंने जितना भी बैकग्राउंड एंड पीजी यूज करा उसका लिंक आपको नीचे दे दिया, मतलब एक जिप फाइल बना के दे दिया। टोटल 10 या 11 फाइल होंगे मतलब जिसमें बैकग्राउंड पीएनजी होंगे, आप डाउनलोड कर लेना। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद सिंपली ऐड फोटो को प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको ये वाली पीएनजी को ऐड करना है। सबसे पहले आपको ऐड करके सिंपली इस तरीके से सेट कर लेना है फुल स्क्रीन पे, और ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अगेन ऐड फोटो को प्रेस करना है एंड अपना मॉडल फोटो को ऐड करना है या फिर पीएनजी को ऐड करना है। तो अगर आप यहीं से बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हो तो डायरेक्ट फोटो को ऐड करके यहाँ से इरेजर पे आ जाना एंड यहाँ से बैकग्राउंड को इरेज कर लेना। यहाँ से गाइस आप पिक्सार्ट ऐप के अंदर ही बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो बहुत ही स्मूथली। अगर आप बिगनर हो तो आप यहाँ से ही इरेज कर सकते हो, बट मैं अपने फोटो को प्रोफेशनल रखना चाहता हूँ, मैं इसलिए बाहर से ही बैकग्राउंड इरेज करता हूँ एंड पिक्सार्ट ऐप पे ऐड करके अपनी फोटो को एडिट करता हूँ, क्योंकि इस मुझे बहुत ज्यादा क्वालिटी चाहिए रहती है। मैं अपनी फोटो एडिटिंग में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बाहर से बैकग्राउंड को इरेज करके यहाँ पे मॉडल को ऐड करा। अगर आपको बाहर से बैकग्राउंड इरेज करना है मेरी तरह, तो आप मेरी बैकग्राउंड इरेज वाली वीडियो को जरूर देख लेना, इस वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद एंड साइड करने के बाद सिंपली आपको सेकंड स्टेप में करना है इफेक्ट्स वाली ऑप्शन को प्रेस। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ कलर्स को प्रेस करना होगा एंड यहाँ से कलरेज का एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसे प्रेस करेंगे। देन अगेन प्रेस करना, इसमें सेटिंग ओपन हो जाएगी एंड सिंपली आपको जो व्यू लिखा है मतलब एचयूवी लिखा है उसे आपको सिंपली इस तरह से एडजस्ट करना है जिससे आपकी जो फोटो है आई मीन जो स्क्रीन पे हाईलाइट दिख रही है वो कलर चेंज हो रही है, आप यहाँ देख सकते हो। तो उसे आपको ब्लू रखना है या फिर स्काई ब्लू रखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू करा एंड सिंपली इरेजर को प्रेस करूंगा एंड इरेजर की सेटिंग को चेंज करूंगा। सबसे पहले सेटिंग चेंज करने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से इरेज करते जाना है। तो आपने नोटिस करा होगा कि यहाँ पे मैंने अपने स्क्रीन को छोड़ के सारे जगह पे इरेज किया। इसमें जितने स्क्रीन देख रहे हैं मतलब आपका हैंड एंड फेस वगैरह है उस वाली पार्ट को छोड़ देना है, बाकी आपके जो शर्ट है एंड जींस है उसे आपको इरेज करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने अपने हेयर पे इरेज करा एंड अपने शर्ट एंड जींस पे करा, बट स्क्रीन पे इरेज नहीं करा क्योंकि यहाँ पे हम जन्माष्टमी स्पेशल फोटो एडिटिंग कर रहे हैं। सो इतना कर लेने के बाद आपको सिंपली से डन कर देना है एंड डन करने के बाद अगेन आपको इफेक्ट्स को प्रेस करना होगा। यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन को प्रेस करके व्यू वाले ऑप्शन को प्रेस करना है एंड अब आपको इसे थोड़ा सा सेटिंग करना होगा, जो कि मैंने स्काई ब्लू करा था अब आपको ब्लू करना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा कलर चेंज हुई है, तो आप इस तरीके से कलर चेंज करके इसे डन कर देना एंड ये कम्प्लीट हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अगले स्टेप में आपको ऐड फोटो को अगेन प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको सिंपली ये सॉल्व पीएनजी को ऐड करना है और आपको अपने हेड पे सेट करना है। तो यहाँ पे आपको बराबर से सेट करना होगा तब ये रियलिस्टिक लगेगी, अदरवाइज ये फेक लगेगी। यहाँ पे मैंने परफेक्टली सेट कर लिया है एंड अगेन ऐड फोटो को प्रेस करूंगा। तो अब आपको ये वाली पीएनजी को ऐड करना है जो कि एक माला की पीएनजी है। इसे भी आपको अपने मॉडल पे अच्छे से सेट करना है ताकि ये रियलिस्टिक लगे एंड जो माला है वो मेरे हैंड के ऊपर आ जा रही है जिससे ये रियल नहीं लग रही है, उसीलिए मैंने इरेजर को प्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करूंगा ताकि ये परफेक्ट हो जाए सेट एंड ये बिल्कुल रियल लगे। तो यहाँ पे कम्प्लीटली इरेज हो चुकी है एंड यहाँ से मैं कर दूंगा डन एंड आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये पीएनजी वगैरह ऐड हुआ है। तो ओके, एंड नेक्स्ट पीएनजी ऐड करेंगे ये वाली पीएनजी, एक फ्लूट पीएनजी है। आपको अपने मॉडल के हैंड पे इसे आपको सेट करना होगा। अगर आपके में ऐड करते नहीं बन रहेगा तो इसे आप स्किप कर सकते हो। बाकी जो मेरी फोटो की पोज थी वो परफेक्ट थी फ्लूट को रखने के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगी। आप यहाँ देखना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ एंड उसके बाद देखना गाइस बिल्कुल परफेक्ट यहाँ लगेगी। देन यहाँ डन कर दिया तो ये हो गई कम्प्लीट एंड अगेन ऐड फोटो को प्रेस करूंगा एंड यहाँ से डायरेक्टली मैं कुछ पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं सारी पीएनजी को ऐड कर लूंगा। ये वाली पीएनजी को सबसे पहले मैं सेट कर लेता हूँ अपने, मतलब ये टीका वाली पीएनजी को सबसे पहले आपको सेट कर लेना है सिंपली। एंड जो सेकंड पीएनजी है वो एक ब्रेसलेट पीएनजी है, आपको अपने हैंड पे अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है। और कुछ पीएनजी आपको सिंपली यहाँ पे सेट कर लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजीली आप सेट कर सकते हो। एंड जब फाइनली सारे पीएनजी को ऐड कर लोगे सिंपली आपको यहाँ पे टूल्स को प्रेस करके एडजस्ट को प्रेस करना होगा एंड यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज करना होगा। देन हाईलाइट को भी इंक्रीज करेंगे और उसके बाद शैडोज को भी इंक्रीज कर लेता हूँ। देन इरेजर को प्रेस करके इन्वर्ट को प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे ब्रश को प्रेस करेंगे एंड सेटिंग करेंगे जिसमें आपको हार्डनेस को कम करना है, साइज को भी कम करना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे अपने फेस पे थोड़ा सा हाईलाइट क्रिएट करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल डोज एंड बर्न वाली इफेक्ट देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हो ये वाली इफेक्ट को अप्लाई करना तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अपने हैंड पे भी
लेना, ये बहुत ही अमेजिंग एंड हमारी फोटो को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बनाएगी। आप यहाँ देख सकते हो ये हो गई है कम्प्लीट। राइट साइड से लाइट भी आ रही है, तो यहाँ से मैं अपने राइट साइड अपने टी शर्ट पे भी कर लेता हूँ, बिल्कुल रियल लगेगी। तो फाइनली ये हो गई है कम्प्लीट, यहाँ से आपको डन कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब इसमें आपको करना होगा अगेन टूल्स को प्रेस एंड एडजस्ट को प्रेस करेंगे एंड सिंपली ये वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। व्यू वाले ऑप्शन को प्रेस करके आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसे डिक्रीज करना होगा, मतलब माइनस करना होगा, जिसमें आपको माइनस 15 या 1670 पे रखेंगे, जिससे बैकग्राउंड थोड़ी सी येलो हो जाएगी। एंड इस तरीके से करने के बाद सिंपली आपको इसे डन कर देना है। अब आपको करना होगा सिंपली ड्रॉ वाले ऑप्शन को ओपन और यहाँ से अपने पिक्चर को कर लेंगे सेव। फोटो को सेव करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना लाइटरूम ऐप को ओपन करना होगा। ये फाइनल स्टेप है, सिंपली आपको इस वाले ऐप को ओपन करके ऑल फोटोज पे आ जाना है एंड फोटो को ऐड करना है जो अभी हमने पिक्सार्ट ऐप पे सेव करा था। यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपली आपको फोटो को ओपन कर लेना है। फोटो को ओपन कर लेंगे एंड सिंपली आपको सबसे पहले ये वाले ऑप्शन को प्रेस करना है, देन लाइब्रेरी पे आ जाएंगे एंड यहाँ थ्रेड आइकन को प्रेस करेंगे। जो मैं इफेक्ट की बात कर रहा था एक क्लिक में कैसे मैंने कलर ग्रेडिंग करा, वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ देखते जाओ, सिंपली थ्रेड आइकन को प्रेस करना है एंड इम्पोर्ट प्रीसेट करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे आपको प्रेस करना है। देन आपको फाइल्स को प्रेस करना है एंड यहाँ से आपको क्या करना है, जो आप डाउनलोड करोगे हमारे स्टॉक्स को, आप यहाँ देख सकते हो एक फोल्डर है आपके में जिप फाइल होगी, उसे पहले अनजिप कर लेना। उसके बाद एक फोल्डर बन जाएगी ये वाली फोल्डर, यहाँ पे लिखा होगा लाइटरूम वन क्लिक इफेक्ट करके, उस वाले फोल्डर को ओपन करना है एंड यहाँ पे दीपक क्रिएशन इफेक्ट लिखा है। सिंपली आपको इसे प्रेस करना है एंड प्रेस कर दे ये वाली फाइल इंपोर्ट हो जाएगी, मतलब इफेक्ट इंपोर्ट हो जाएगी हमारे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो अभी स्क्रॉल अप करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो एक न्यू ऑप्शन आ गई है यूजर प्रीसेट करके, उसे आपको प्रेस करना है एंड प्रेस करते ही यहाँ आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगी, उसे आपको प्रेस करना है। गाइस इस वाली इफेक्ट को प्रेस करते ही हमारी फोटो बहुत ही कमाल की एडिटिंग हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल कलर ग्रेडिंग परफेक्टली हो चुकी है एंड इसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मैंने कलर ऑप्शन पे आके टाइम को इंक्रीज करा, सैचुरेशन को इंक्रीज करा एंड उसके बाद आपको सिंपली कलर ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे सैचुरेशन को कम करेंगे, लुमिनस को इंक्रीज करेंगे एंड इसे डन करेंगे। और भी इसमें कुछ कलर्स पे आके अपने हिसाब से कलर एडजस्टमेंट कर सकते हो ताकि आपकी फोटो और भी इम्प्रूव हो सके। बाकी यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पे आके थोड़ा बहुत यहाँ से शैडोज को इंक्रीज करेंगे, व्हाइट को इंक्रीज करेंगे एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम ज्यादा करके देख लेते हैं। देन इस वाले ऑप्शन को प्रेस करके क्लैरिटी को इंक्रीज करना एंड यहाँ से जो आपकी फोटो की क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगी। बाकी हमारी फोटो यार कम्प्लीटली हो चुकी है रेडी। अब हमारी फोटो बहुत ही कमाल की लग रही है, आप यहाँ देख सकते हो। गाइस मैंने एक वाली इफेक्ट को यूज करना भूल गया इस वाली एडिटिंग के अंदर, आपको उसे पिक्सार्ट ऐप की मदद से ही करना होगा। तो ये वाली इफेक्ट को आप यूज कर लेना, सिंपली एड फोटो को प्रेस करके ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाना एंड स्क्रीन मोड अप्लाई कर देना एंड सिंपली आपको इस वाली जगह पे प्लेस करना है और उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना, आपकी फोटो और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगी। आई होप गाइस आपको ये वाली जन्माष्टमी फोटो एडिटिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक लाइफ से गो बाय, टेक केयर।